हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इनक्लाइंड प्लस। तो हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था पीएच ऑफ द वाटर एडमिटेड टू द ट्रीटमेंट प्लांट वाज 6 इन द मॉर्निंग। द कॉन्सिक्वेंट टू इनफ्लो ऑफ द रॉ वाटर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स इट चेंजेस टू 8 इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। Assuming the linear variation of the time of the hydrogen ion concentration, the time mean pH value of the water over this 24-hour period. Okay, तो यहाँ पे हम पूछा गया mean pH value। तो mean pH value को calculate करने के लिए हमें mean H plus ion concentration calculate करना होगा, सीधी सी बात। तो अगर आप इस question को calculate solve करने के लिए अगर आप 6 + 8/2 इक्वल टू 7 करने वाले हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं आजकल कंपटीशंस में। तो इस तरह का क्वेश्चन डीडीएम में एक बार पूछा गया था। ओके, ईएस में, गेट में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही रहती है, उसका लिए डेटा चेंज रहता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए 10^-6 करना होगा। ठीक है, जो इनिशियल में था मॉर्निंग के टाइम पे था, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10^-8 ये वैल्यू है जो आफ्टर द 24 आवर्स हुई थी, जब कोई दूसरा वाटर उसमें डिफरेंट सोर्स से आ रहा था, उसमें एडमिट हुआ था। अब हम देखेंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन की मीन वैल्यू कैसे निकलेगी। तो 10^-6 + 10^-8/2 ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे 10^-6 कर देंगे और 1 + 0.01, और आपको यहाँ पे बता दें 1.01 × 10^-6/2 इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी मीन H प्लस आयन के लिए। अब आपको pH वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो pH के लिए -log10 H प्लस लिया जाएगा। ठीक है, तो -log10.505 × 10^-6 आप ये इस तरह से लिखेंगे, और इसको जो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी 6.2967 आएगी। तो आपको धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थी वो हमने बता दिया, और क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है वो भी बता दिया। इस तरह के आप नए क्वेश्चंस को खुद बनाइए, उनका डेटा चेंज करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया था, कोई वाटर था, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा था, उसकी pH वैल्यू 6 दे रखी थी मॉर्निंग टाइम पे, कोई दूसरा वाटर इनफ्लो कर रहा था उसी टैंक में, कोई डिफरेंट सोर्स है, तब उसकी pH वैल्यू 8 हो गई थी। तब इन दोनों को लेकर के हमने जो मीन pH वैल्यू कैलकुलेट करी है, बस यही है इस क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।